हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा है जो आप सभी के लिए बिल्कुल नया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या नई जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। तो इस समय दोस्तों मैं जो मुजफ्फरपुर का जो सरकारी बस स्टैंड है उसमें वहाँ पर मैं आ गया हूँ दोस्तों। देखिए, मैं बस पर चढ़ गया हूँ और इस सरकारी बस स्टैंड से मैं अपने घर की ओर प्रस्थान करूँगा दोस्तों कुछ ही मिनटों के बाद दोस्तों। और यह बस दोस्तों और आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको इस सरकारी बस स्टैंड के बारे में बहुत ही मज़ेदार बातें जानने को मिलेगी दोस्तों और नई चीज़ देखेंगे समझेंगे दोस्तों। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। देखिए, यही है काउंटर है जहाँ से हम टिकट लेते हैं और आपके बारे और जो अभी है बंद है। जिन यात्रियों को जाना है गाड़ी में स्थान ग्रहण करें, टिकट गाड़ी में मिल जाएगी। यात्रियों के लिए ध्यान दे, गाड़ी नंबर 7293 सैदपुर राजखंड भैरव स्नान अवकारी सिमरी डुमरी के लिए गाड़ी लगी हुई है। यात्रियों के लिए ध्यान दे, गाड़ी नंबर 7293। तो दोस्तों, यही है सरकारी बस स्टैंड मुजफ्फरपुर का दोस्तों, जहां पर आपको सभी जगहों के लिए बस मिलेगी दोस्तों। बिहार के किसी भी कोने जिले में आप मुजफ्फरपुर से जाना चाहते हैं तो इस सरकारी बस अड्डा में आकर और यहां से बस पकड़कर और टिकट लेकर दोस्तों आप कहीं भी जा सकते हैं। और यहां से आपको दिल्ली, कोलकाता वगैरह और सारी जगहों पर जाने के लिए दोस्तों आपको बस यहाँ से मिल जाएगी दोस्तों। आप आसानी से यहाँ जा सकते हैं। और यहाँ अगर आप बस स्टैंड से टिकट नहीं ले पाते हैं तो आपको तत्काल टिकट बस भी टिकट मिलने की कटने की लेने की व्यवस्था दोस्तों। आप बस में यात्रा करके आप टिकट ले सकते दोस्तों। यही देखिए दोस्तों, ये मेरी बस लगी हुई दोस्तों। इसी बस पर चढ़कर घर के लिए प्रस्थान करेंगे दोस्तों। और ये जो सरकारी बस स्टैंड है मुजफ्फरपुर की, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है दोस्तों। जैसे आपको सारी चीज़ें नज़दीक है, बगल में दोस्तों आपको रेलवे स्टेशन है, कचहरी है, जुड़न छपरा है, आप भगवानपुर जा सकते हैं, बैरिया बस स्टैंड जो प्राइवेट बस स्टैंड है वहाँ जा सकते हैं और सारी जगहों पर आप जा सकते हैं शहर के दोस्तों। तो ये मेन लोकेशन पे है और यहाँ आप आसानी से आकर बस पकड़ सकते हैं। अगर आप बस अड्डा आते हैं तो यहाँ से आपको आसानी से सीट मिल जाएगी दोस्तों। और हर एक घंटे पर विभिन्न सारी जगहों पर जाने के लिए बस है यहाँ पर दोस्तों। तो आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से आसानी से सीट भी आपको मिल जाएगी और बहुत ही आरामदायक ढंग से आप यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए, यही बस अड्डा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ रिक्शा की व्यवस्था है। अगर आप आते हैं बाहर से बस स्टैंड में और आपके पास सामान वगैरह आपको जाना है तो यहाँ से रिक्शा भी कर सकते हैं। देखिए देखिए, तो यही ये मेन गेट है, एंट्री पॉइंट है दोस्तों। तब इस गेट से आप अंदर आ सकते, बाहर जा सकते। देखिए, और ये सारी बस लगी हुई है जो विभिन्न सारी जगहों पर जाएगी दोस्तों। तो अगर आप और दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल घंटी भी दबाइएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी रिक्शा लगी हुई है और यहाँ पर देखिए पार्क नुमा है। और ये देखिए, उस साइड सामने देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ सरकारी बस स्टैंड अड्डे का स्टैंड है दोस्तों। तो जो भी गाड़ी चलाती है, जब रात में गाड़ी रुकती है, जब बस स्टैंड जब बंद होता है तो उधर गाड़ी को पार्किंग के लगाए थे दोस्तों।